समझना होगा कि हमको प्रारंभ में कैसे शुरू करना है। वैसे राइट। अब समय बहुत कम बचा है, तो ये तो हमको पहले से ही LLB जब करते हैं तभी से लगना चाहिए। खैर चीजें हैं, लेकिन अब बात यह है कि डेट आ गया है, तो हमको आगे करना क्या है? हमको कैसे अपने आप को इस कम समय में अधिक से अधिक चीजों को, अधिक से अधिक विषय वस्तु को जो है हम अपने अंदर समेट सकते हैं, ये जनरली अब सामान्य तौर पे प्रश्न उठता है। तो हम शुरू करते हैं कि पहले जो है हमको सिलेबस पता होना चाहिए कि हम सिलेबस क्या है बिहार का, क्योंकि हम आज बिहार के बारे में चर्चा कर रहे हैं, किसी अन्य के राज्य के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए फोकस जो है हमारा केंद्र जो है बिहार जुडिसी के ऊपर है। तो हमको सर्वप्रथम ये ज्ञात होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, क्या क्या वो विषय हैं जिनको हमको पढ़ना है, क्योंकि कई जगह जैसे IPC होता है, लगभग सभी जगह होता है, लेकिन बिहार जुडिसी में IPC नहीं है। तो इस और बहुत से ऐसे पेपर हैं जो यहाँ पे तो हैं, बिहार जुडिसी में, बिहार में पूछे जाते हैं, लेकिन अदर अदर स्टेट में, अन्य राज्यों में जो है वो सब्जेक्ट नहीं है। उदाहरण के तौर पे कमर्शियल लॉ है। कमर्शियल लॉ में बेसिकली हम समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट और सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे कमर्शियल लॉ को थोड़ा सा विभाजित कर दिया गया है। इसको कॉन्ट्रैक्ट और टार्ट को मैच के पर्पज से एक साथ किया गया है, लेकिन प्रीलिम्स में भी वो आते हैं, टार्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है। और कमर्शियल लॉ के जो बेसिक यहाँ पे पेपर रखे गए हैं वो है पार्टनरशिप एक्ट है, निगोशिएबल परक्राम अधिनियम है, ट्रस्ट इक्विटी का अलग एक पेपर है, जो सामान्य तौर पे अन्य राज्यों में नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए हम कभी कभी ये भूल कर देते हैं कि जो हमारे मेन सब्जेक्ट है, मुख्य विषय है, मुख्य विषय के तौर पे हम सामान्य तौर पे ये समझते हैं कि प्रोसीजर लॉ, प्रोसीजर लॉ में जैसे हम एविडेंस, लॉ ऑफ एविडेंस है, CRPC आपराधिक प्रक्रिया विधि है, CPC है सिविल प्रोसीजर, सिविल प्रक्रिया विधि है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो है बिहार में आर्बिट्रेशन भी है, वो भी प्रोसीजर लॉ है। तो हम आर्बिट्रेशन को नहीं पढ़ते हैं, उसको रखते हैं, अरे एक दो दो चार क्वेश्चन आएंगे उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत फर्क पड़ता है। ऐसे ही एक एक सब्जेक्ट का हम दो दो क्वेश्चन लें, अगर हम पार्टनरशिप का लें, पार्टनरशिप सामान्य तौर पर अन्य कहीं जगह नहीं पूछा जाता, लेकिन बिहार में पूछा जाता है, तो वहां पे हमको पार्टनरशिप भी पढ़ना पड़ेगा। उसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा जैसे हम संविदा को पढ़ते हैं, टॉर्ट को पढ़ते हैं, या हमारे जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जो मुख्य विषय हैं, उसको हम पढ़ते हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हमको पढ़ना होगा। अब बात आती है कि कैसे हम शुरू करें, क्या स्ट्रेटजी अपनाएं अब इस कम समय में। तो कुछ चीजों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। वो क्या चीजें हैं, जैसे कि हमने पहले बताया कि सिलेबस तो ज्ञात होना चाहिए, पहला जो मुख्य हमारा विषय वस्तु है ये ध्यान में हमको रखना होगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है वास्तव में। अब हमने सिलेबस जान लिया कि हमको, हाँ ठीक है, ये सिलेबस है, हमको इन्हीं को पढ़ना है। अब उन सिलेबस को जो है हम एक बना सकते हैं कि सारे को, कि हमको क्या आसान उसमें से है, क्या थोड़े से कठिन है। इसको बनाना इसलिए आवश्यक होता है कि जब हम आसान चीजों को पहले जान लेते हैं तो हमारा जो है मोरल जो कॉन्फिडेंस है, हमारा जो आत्मनिहित बल है, वो जो है बढ़ता है। और जब बढ़ता है तो हम जो है डिप्रेस नहीं होंगे, हम जो है उसे, हमको आगे नहीं लगेगा कि अरे नहीं, हमारा सही दिशा में जो है तैयारी नहीं जा रही है, उससे हमको जो है मोरल सपोर्ट ही मिलेगा। तो उनको हमको अलग कर लेना चाहिए सब्जेक्ट वाइज, कि प्रोसीजर में हमको ये है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है क्या सरल है उसको पहले पढ़ें, फिर उससे थोड़ा सा कठिन, फिर उससे कठिन, फिर उससे, तो उससे जो है हम अच्छे दिशा में जा सकते हैं। एक एक तो ये विषय वस्तु हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। उसके बाद हमको जो है इसमें टाइम टेबल हम फिक्स कर लें कि हमको प्रतिदिन प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ना है, और जो टाइम टेबल निहित हमने के बनाया है उसी के अंतर्गत हमको पढ़ना है।
क्योंकि ऐसा क्या होता है कि इससे टाइम टेबल बनाने से ये फायदा मिलता है कि हमको सारी चीजें जो हमको पढ़नी है वो हम समय के अनुसार जो है उसको पढ़ते रहते हैं, नहीं तो कभी क्या करेंगे कि एक सब्जेक्ट को ही पढ़ते रह जाएंगे, दूसरा हमसे छूट जाएगा, उसको हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए ऐसा न हो, इसलिए हमको टाइम टेबल बनाना बहुत आवश्यक है। और चीजें हैं कि जो भी अब समझने के लिए कि सब्जेक्ट में हमको कैसे पढ़ना है, तो चैप्टर वाइज पहले हमको एक जगह सेक्शन कि इतने चैप्टर जो है इस सेक्शन से इस सेक्शन तक हैं, जैसे टीपीए का मान लीजिए गिफ्ट है, या डिफिनीशन क्लाज यहाँ से है, मॉर्गेज कहाँ से कहाँ तक, बंधक का कहाँ से कहाँ तक है। तो इससे क्या होता है कि जब हम चैप्टर को एक जगह लिख कर उसके सेक्शन जो है मेंशन कर देंगे, तो हमको ध्यान में रहेगा कि अच्छा मार्ग हमको बंधक जो है यहाँ से यहाँ तक है। तो उससे अदर मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव में जो हमारे क्वेश्चन आएंगे विकल्प में दिए रहेंगे, तो उससे हमको ढूंढने में आसानी रहेगी। अच्छा यहाँ से यहाँ तक है, वहां से मान लीजिए कि मॉर्गेज आपका गिफ्ट है, मॉर्गेज है, और ऐसे चार विकल्प दे दिए गए हैं, मॉर्गेज से संबंधित क्वेश्चन पूछा है, तो वहां पे हमको उसको जो है सरलता होगी कि पता करने में कि हाँ ये सेक्शन हो सकता है। और उसके बाद जो है कि आता है कि हमको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, क्योंकि सबसे पहले ये है कि हमको अभी प्रीलिम्स पे प्रारंभिक परीक्षा पे फोकस करना है, ध्यान केंद्रित करना है। क्यों? क्योंकि समय नजदीक है। वैसे तो जब तैयारी हम करते हैं तो दोनों को एक साथ लेकर चलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अभी प्रारंभिक की तैयारी कर लें और उसके बाद हम जब प्री का रिजल्ट आ जाएगा और हम क्वालिफाई होंगे और शुरू करेंगे उसके बाद हम मेंस का, ऐसा नहीं होना चाहिए, तब तैयारी हमारी नहीं हो पाएगी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप जो है प्रीलिम्स पढ़ेंगे मेंस पढ़ेंगे, तो मेंस जो है प्रीलिम्स में काम देगा और प्रीलिम्स जो है मेंस में। कैसे? कि मान लीजिए कि हम प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमको पॉइंट वाइज बनाकर अपना पॉइंट बनाना चाहिए, उससे समझने में आसानी होती है पॉइंट्स बनाने में कि प्रीलिम्स के लिए खासकर। इससे क्या होता है कि समझने में ये आसानी होती है कि हमको अंतिम समय में, जैसे अभी अंतिम समय है मान लीजिए कि 15 से 20 दिन बचे हैं, तो उसको जो है समराइज करने में बहुत हेल्प मिलता है, सहायता मिलती है कि कैसे हम कम समय में अधिक से अधिक चीजों को पढ़ पाए, इसलिए उसको जो है हमको पॉइंट वाइज बनाना चाहिए। अब देखिए पॉइंट वाइज बनाए हैं तो उसका मेंस में कैसे फायदा मिलेगा कि पॉइंट है, एक पॉइंट है, पॉइंट हमको पता रहेगा तो हमको हम उसको इलोबरेट कर सकते हैं, उसको विस्तार में लिख सकते हैं, ये चीजें हैं। और दूसरी चीज हमको विशेष ध्यान देने की जरूरत है जो अभी स्ट्रेटेजी में, कि आपका जो बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट को आप जो है अच्छे से पढ़िए। अभी अभी आप बेयर एक्ट पुस्तक के बजाय बेयर एक्ट को चुनिए, क्योंकि बेयर एक्ट से अधिक क्वेश्चन जनरली सेक्शन बेस्ड होते हैं, धारा बेस्ड होते हैं कि किस धारा में क्या है, या उस धारा में मान लीजिए कि प्रोसीजरल लॉ है, सीआरपीसी है, तो किस प्रकार के मजिस्ट्रेट या कितने साल का दंड दिया जा सकता है, इस प्रकार का है। तो धारा जब पता रहेगा तो उसी में जो है आपको मिल जाएगा। तो बेयर एक्ट का आप टेबल ऑफ कंटेंट जो है उसको फोटोकॉपी करा सकते हैं। फोटोकॉपी करके उसको आप जो सेक्शन केवल दिया है, टाइटल दिया है, उस टाइटल में अब आप अंदर पढ़ के जो है पॉइंट वाइज अपने बना लीजिए। उससे क्या होगा कि आप कम समय में ये जान सकेंगे कि अच्छा ये चीजें हैं और हमको यहाँ पे इस धारा में यह पॉइंट जो है ये मेन पॉइंट है, तो इसको आप वो याद करने में और कम समय में अधिक से अधिक चीजों को ग्रैप करने में आसानी होगी। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमको अभी जो है करना चाहिए।